पुकार न्यूज के नाजरीन को प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज कस्बा जम्मू के इलाका कुंडी में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदर श्री सुदेश शर्मा की कयादत में एक एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुख्तलिफ पंचायतों के सरपंचों ने हिस्सा लिया। एहतजाज के दौरान श्री सुदेश शर्मा ने कहा कि इलाका कुंडी चूंकि सरहदी इलाका है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। सरहदी इलाका होने के नाते यहाँ पर TA वगैरह की भर्ती क्यों नहीं होती है। श्री सुदेश शर्मा ने मजीद कहा कि इलाका कुंडी के नौजवानों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है, जबकि इलाका कुंडी में दीगर सरहदी इलाकों जैसी सहूलियात भी मयसर नहीं है। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले दीगर सरपंच सुरेंद्र वर्मा, सरपंच कलभूषण सिंह, सरपंच सीमा कुलदीप गुप्ता, नायब सरपंच कुलदीप गुप्ता, वरिंदर बालोत्रा, राकेश सिंह, बूटी राम, वंदना शर्मा और रमन सिंह भी मौजूद थे। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे प्रदीप शर्मा की ये रिपोर्ट। हमारे शहर में सुदेश कुमार जी कर रहे हैं। हर मंगल को हमारे ब्लॉक में जो मीटिंग होती है, जितने भी पंच सरपंच लोग हैं वो उस मीटिंग में आते हैं और अपने पंचायत की समस्या के बारे में बताते हैं। उनका जो सही तरीके से निपटारा उस दिन होता है, लेकिन हमारी जो बदहाली है, जैसे हमारे सरपंच कलभूषण जी ने, सरपंच सुमंदर जी ने बोला है, इस ब्लॉक का कोई माए बाप ही नहीं। हमने वैसे ना किसी दफा जब सरपंच बोले, दो दफा मैं भी सरपंच बोला, इस दफा मेरी धर्मपत्नी जो है वो सरपंच है। पिछले 20-21 साल से लगातार हम सरपंच चल रहे हैं। जो हालत हमारी इंद्रनगर में इतनी इज्जत होती थी, हमने बड़ी मुश्किल से जहां ब्लॉक लाया जी, जिस जदोजहद के तहत जहां पर ब्लॉक पहुंचा है, लेकिन आज ब्लॉक की जो पोजीशन है, इस ब्लॉक में ना वीडियो कोई बैठता है, ना कोई स्टाफ पर मेंबर काम करता है। कुछ पेंचस लोग हैं वो अंदर बढ़ के कुछ लोगों को घूस वगैरह देते हैं, वो अपना काम निकाल लेते हैं। मेरा ये कहने का मतलब, अगर सही तरीके से ब्लॉक चले तो चलाए, नहीं चलाना है तो इसको जहां मर्जी ले जाए। हम बड़ी जल्दी इसको बंद करने वाले ब्लॉक को। आगे जहां पर कोई मुलाजिम नहीं आया, वीडियो नहीं आया, आज मैं सबके सामने जब बताना चाहता हूँ, आज मीडिया सबको बताना चाहता हूँ, DC सबको भी बताना चाहते हैं, ACG सबको भी बताना चाहते हैं कि अगर विदिन डेज हमारा कोई हल नहीं हुआ, हम सभी सरपंच पर मिलकर इस ब्लॉक को ताला लगा देंगे। मैं इतना ही कहता हूँ। सुरेश जी को एक बात बताना चाहता हूँ, जो बीड़ा आपने उठाया TA की भर्ती का, मुझे पूरा याद है। उस वक्त मांगे मांगे